इस वीडियो में दी हुई जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले टजार 4.5 ग्राम इंजेक्शंस के बारे में। टजार 4.5 ग्राम इंजेक्शंस का क्या यूज है, कब इसको यूज़ किया जाता है, कितने दिन यूज़ करता है, यूज़ करने से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, यूज़ करने से आपको क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके अंदर क्या इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स या कंपोजिशन डालिए और किस प्रकार काम करता है, तो टजार 4.5 ग्राम इंजेक्शंस के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पर वीडियो पर पहली बार विजिट किए या फिर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। शुरू करते हैं टजार 4.5 ग्राम इंजेक्शंस, जिसकी एमआरपी की बात की तो इसकी एमआरपी अराउंड 280.73 यानी कि 280 रुपये के करीब इसकी एमआरपी रहती है। टजार 4.5 ग्राम इंजेक्शंस को लुपिन लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। टजार 4.5 ग्राम इंजेक्शंस के अंदर इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर कंपोजिशन से पाइपरासिलिन एंड टेजोबैक्टन इंजेक्शंस आईपी बोले तो इंडियन फार्माकोपिया, यानी कि टजार 4.5 ग्राम इंजेक्शन के अंदर जो इंग्रेडिएंट डाले गए उसकी पावर ऑफ स्ट्रेंथ की बात करें तो इसके अंदर पाइपरासिलिन 4000 mg प्लस टेजोबैक्टन 500 mg इसके अंदर डाले गए। टजार 4.5 ग्राम इंजेक्शन का यूज़ के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि टजार इंजेक्शन का इस्तेमाल बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। टजार 4.5 ग्राम इंजेक्शन का इस्तेमाल कई अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन जैसे कान, साइनस, गले, फेफड़े, मूत्रमार्ग, त्वचा, दांत, जोड़ों और हड्डियों के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन के इलाज के लिए टजार इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। टजार 4.5 ग्राम इंजेक्शन के कुछ साइड इफेक्ट भी हैं, यानी कि इसका ओवरडोज लेने पर इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। साइड इफेक्ट में आपको हो सकता है आपको मिचली आना, उल्टी होना, डायरिया, दस्त होना, रशेस होना, एलर्जिक रिएक्शन होना, तो ये कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। टजार 4.5 ग्राम इंजेक्शन किस प्रकार काम करता है, यानी कि हाउ टू वर्क्स टजार इंजेक्शन। टजार 4.5 ग्राम इंजेक्शन के अंदर दो दवाई रहती है, यानी कि पाइपरासिलिन और टेजोबैक्टन। पाइपरासिलिन एक एंटीबायोटिक्स दवाई है, यह बैक्टीरिया प्रोटीन कवरिंग के निर्माण को रोककर काम करता है जो बैक्टीरिया के जीवित रहने के लिए नेसेसरी है। टेजोबैक्टन एक बीटा लैक्टामेस इनहिबिटर है जो रेजिस्टेंस को घटाता है और बैक्टीरिया के खिलाफ पाइपरासिलिन की गतिविधि को इंक्रीज करता है। टजार 4.5 ग्राम इंजेक्शन का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। टजार 4.5 ग्राम इंजेक्शन के बारे में कुछ भी डाउट हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में बताएं, अदरवाइज डिस्कशन में ईमेल आई डी है वहाँ पर बताएं। टजार 4.5 ग्राम इंजेक्शन का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस और नॉलेज के लिए था।